अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको यूरो यूएसडी के वीकली एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा कि इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है और ये अप में जाने वाला है, सेल में जाने वाला है। अगर इसका बाय में कोई हमें इसके बाय के चांस हैं तो हम किस लेवल से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेन सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, किस सपोर्ट लेवल पर हम इसको बाय कर सकते हैं, और उसका टीपी क्या होगा और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि यूरो यूएसडी है, इसका H4 टाइम फ्रेम है। मैं इसकी एनालिसिस जो इसकी एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये टेक्निकली एनालिसिस है, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है। अभी इसका जो H4 में देख सकते हैं जूम आउट करके कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अच्छा, अभी करंट प्राइस इसकी, बल्कि इसका पहले ये इसका जो मेन सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वो एक तो है 1.1064, ठीक है, दूसरा है 1.1094। ये एक मेजर, ये दोनों जो लेवल है ना, ये दोनों लेवल, मार्केट इसमें काफ़ी बार आके इस लेवल को टेस्ट किया है। आप पीछे इसका बैकअप टेस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ देखें, यहाँ भी इसने मार्केट इस एरिया में रही, यहाँ भी इस लेवल में भी, यहाँ भी, मतलब कि ये एक इसका प्रॉपर सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश सेटअप मिलता है, कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, मीन के कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनता है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको बाय करना है, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इसको अगर मेरे ख्याल से इस लेवल को टच करे, या कि इस जो ये जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ से बुलिश हो जाए, यहाँ से बुलिश हो जाए इस ट्रेंड लाइन से, ऐसे भी हो सकता है, या इस लेवल को टच करे ऊपर जाके, ये जो नीचे सपोर्ट लाइन है 1.1094, ठीक है, फिर इस तरह से जाए, ठीक है, ऊपर इस लेवल से थोड़ी सी ये फिर डाउन की तरफ आ सकती है और फिर ये ऊपर चली जाएगी। अगर हमें इस लेवल से कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो हमने हमने यहाँ से इसको बाय कर लेना है, और टारगेट हमने ये स्टॉप लॉस हमने इसका ये लगाना है, ठीक है, इस लेवल का। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर हमें इस लेवल में, इस सपोर्ट एरिया में कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो हमने क्या करना है कि मार्केट में बाय में बैठ जाना है, और हमने इसका स्टॉप लॉस अगर इस लेवल पे मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन 76 पिप, ये जो लास्ट इसका हाई है ना, इससे 2-4 पिप हमने नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा देना है, और हमने इसका जो टीपी बन रहा है इसका 1:2, मतलब कि 150 पिप के राउंड अबाउट बन रहा है। तो इसका जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट 1, मतलब कि इस वीक में ये इतना ही मूवमेंट करेगी, कर जाए ये भी कन्फर्म की बात नहीं होती। ये हमने एक बुलिश सेटअप, या हमने हमें कोई एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है प्राइस एक्शन का, तभी हमने ट्रेड लेनी होती है। तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इसके मेजर लेवल्स हैं वो बताने होते हैं, उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड करता हूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 1.1249 तक है। मैं आपको जूम आउट करके भी इसका चेक करवा देता हूँ, ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से बाय में एंट्री मिलती है तो इस लेवल तक हमें अपना मार्केट में अपना ऑर्डर को होल्ड करना चाहिए, और जब ये इस लेवल को टच करे तो हमारा जो TP1 होगा वो हमने क्लोज कर लेना होता है, फिर टारगेट 1 के लिए मार्केट बैक आएगी, फिर थोड़ा सा इस तरह से मार्केट चलती है। तो ये टेक्निकली एनालिसिस हैं, ट्रेड उस वक्त करनी है जब हमें कोई कन्फर्मेशन सिग्नल मिले, जब हमें कोई बुलिश सेटअप मिले, कोई कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न मिले,
ठीक है, तो उम्मीद तो है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।